देखिए पिछले 3 दिनों के अंदर मान लीजिए शनिवार इतवार और सोमवार, संडे को दिवाली थी, उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद तक के केस की लिस्ट है मेरे पास, और करीब ऐसे केसेस तो करीब 24 या 25 थे जिनकी बहुत माइनर इंजरीज थी। हमने राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा रखी थी कि जैसे ही इमिजिएटली इमरजेंसी में या वार्ड में कोई आया तो उसका प्रथम उपचार होके जो माइनर इंजरी वाले हैं उनके आई के क्लीन करके उनको घर भेज देते हैं, उनको सारी हिदायतें और दवाई देके। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी 13 मरीज ऐसे हैं जिनके बहुत सीवियर इंजरीज हैं, और 2 प्रकार की इंजरीज में देखने को मिली। एक तो है जब पटाखा चलता है, वो पटाखे के पीछे पत्थर जैसी कोई चीज़ होती है जो जैसे ब्लास्ट करके वो गोली की तरह निकलता है और वो सीधा आँख को पे लगता है और आँख रप्चर हो जाती है, बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। दूसरा है ये सूतली बॉम्ब या जैसे पेंसिल होती है वो, या अनार होते हैं वो बस्ट करता है। तो ये जब बस्ट करता है तो उसमें वेग से लगता तो है आँख को, लेकिन साथ के साथ जला हुआ बारूद भी आँख में चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, पूरी आँख की ऊपर की सतह को जला देता है और बिल्कुल नष्ट कर देता है। इसमें दुर्भाग्य की बात ये है, 13 में से 10 तो बच्चे हैं, 17-18 साल से कम उम्र के, 1-2 साल का बच्चा है, 2-8 साल के बच्चे हैं इनके। और जब एक बार आँख में इस तरह की चोट लगती है तो उसको बचाना एक तरह से असंभव सा होता है, और रोशनी का तो उसमें हम बिल्कुल भी कभी गारंटी नहीं देते। हम कोशिश ये करते हैं कि उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके, इमीडिएट ऑपरेशन करके, जो भी उसमें कट लगा है या रप्चर हुआ है उसमें टाँके लगा के क्लीन करते हैं, क्योंकि ऐसी आँखों में इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि जो हमने 13 भर्ती किए हैं उनमें से 11 की तो रोशनी बिल्कुल जा चुकी है, केवल आँख को हमने ऑपरेशन करके, सबके ऑपरेशन हो चुके हैं, ऑपरेशन करके उनकी शेप, आँखों की जो शेप है वो उसको कायम रखने के लिए हमने उसको किया है, उसमें टाँके लगा के उसको बंद किया है, और सेकेंडरी स्टेज में सोचेंगे कि इसमें रोशनी आने की संभावना है या नहीं, जिसकी बिल्कुल संभावना लग नहीं रही। और दुर्भाग्य से एक ऐसा बच्चा है जिसकी दोनों आँखें इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उसके लगता है जीवन में अंधकार हो जाएगा परमानेंटली। अब सर किस तरह, और एक बार जब आँख के अंदर चोट लगती है तो आँख को रोशनी बचाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं आँख की जो स्ट्रक्चर है या उसका जो भी आँख की शेप है वो बच जाए, और फिर रोशनी के हम सेकेंडरी स्टेज में सोचते हैं कि क्या उसमें और डैमेज था जो उसको हम ठीक कर सकें। 2 मरीज ऐसे हैं जिनकी रोशनी ठीक होने की पूरी संभावना है, जिनके चोट ज़्यादा नहीं लगी थी, और 1 मरीज है जो कि झुंझुनू से आया है, 15 साल का बच्चा, उसके ब्लास्ट होने से दोनों आँखों के अंदर बहुत सीवियर इंजरी है, 1 आँख तो बिल्कुल लगभग नष्ट है, दूसरी आँख, उस आँख का भी हमने ऑपरेशन तो किया है, और जो 1 आँख लगाने के बाद ही पटाखे चलाएं और बच्चों को खासकर इससे दूर रखें तो इतना जो क्षति हुई है, इतने लोगों की जो आँखें गई हैं, ये इन सबको हम बचा सकते हैं। मेरी ये अपील है सब जनता से, सरकार से, कि इस पे कुछ ना कुछ इसका हल निकलना चाहिए। हर साल ये हम देखते हैं 20 से 25 मरीज ऐसे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे जिनकी आँखें हम खो देते हैं। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी अपील मैं ये करना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को पटाखों से दूर रखें, उनको कतई कभी पटाखे ना चलाने दें, और जो पटाखे बेचते हैं, बीच में मुझे ध्यान है एक इस तरह की वेव आई थी कि भाई पटाखों के साथ एक प्रोटेक्शन का चश्मा भी कंपलसरी तौर पे, मतलब चाहे उसको हम अपना सेल नहीं करें लेकिन फ्री में सप्लाई होना चाहिए, और जो भी पटाखे